बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको प्रेग्नेंट गोट गब्बन बकरी की केयर और उसकी स्पेशल खुराक के मुतालिक बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों को भी वेलकम। अगर आप प्रेग्नेंट गोट की अच्छी केयर कर लेते हैं, खुराक भी स्पेशल खिला लेते हैं, तो यकीनन बकरी सेहतमंद रहेगी, प्रेगनेंसी पीरियड में पेचीदगियों और मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो बच्चे पैदा होंगे बीमारियों से पाक, हेल्दी, सेहतमंद और बड़े कद काठ के पैदा होंगे और यूँ वो फार्मर की खुशहाली का बायस बनेंगे। इसके साथ साथ बकरी के हैवाना फलों के साइज और बकरी के दूध में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये जो चंद चीज़ों का फार्मूला आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। इसे ज़रूर लिखकर अपने पास रख लीजिए। अगर आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप ये खुराक अपनी बकरी को लाजमी खिलाएं, इंशाल्लाह आपको कमाल के दौरान मिलेंगे। ये खुराकी फार्मूला बताने से पहले चंद ज़रूरी हदायात आपकी नज़र करता हूँ। सबसे पहले, जब आपकी बकरी क्रॉस हो जाए तो फर्स्ट मंथ, पहला माह, आपने बिल्कुल कोई हैवी खुराक अपनी बकरी को नहीं खिलानी। अगर पहले महीने ही आपने हैवी किस्म की खुराक खिलाना शुरू कर दी तो फिर बकरी के चांसेस होते हैं रिपीट होने के, दोबारा हीट पे आ जाती है तो फार्मर के लिए परेशानी का बहस बनता है। पहला माह आपने रूटीन का चारा खिलाना है, जो आम जानवरों को आप खिला रहे हैं। कोई इजाफी गंदा वंडा, कोई हैवी खुराक आपने नहीं खिलानी। जब एक माह गुजर जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि अब बकरी जो है वो रिपीट नहीं हुई, वो प्रेग्नेंट है, तो फिर आपने फ्रेंड सबसे पहला जो काम करना है कि बकरी को पेट के कीड़े मार दवा पिलाना है, बकरी की अंदरूनी डिवर्मिंग करनी है। इंतहाई ज़रूरी बात वो आप नोट कर लें कि प्रेग्नेंट गोट की आपने बैरूनी डिवर्मिंग नहीं करनी। एवरमेक्टन जो इंजेक्शन हम लगाते हैं जेरे जल्द जुओं और चिचड़ों के लिए, तो वो आपने प्रेग्नेंट गोट को बिल्कुल नहीं करना। आपने एहतियात से काम लेना है, फिर प्रेगनेंसी पीरियड में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात बकरी बच्चे गिरा भी देती है, तो फिर इसका सलूशन क्या है? क्या कोई देसी तरीका भी है बैरूनी डिवर्मिंग का? बिल्कुल फ्रेंड्स है, इसके दो तरीके हैं फ्रेंड्स। पहला तरीका है कि आप सरसों ऑयल लें, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और बकरी के पूरे जिस्म पे अच्छे तरीके से मसाज कर लें। एक मरतबा करें, 5-6 दिन के बाद फिर आप दोबारा कर दें, बैरूनी डिवर्मिंग कंप्लीट। दूसरा तरीका है फ्रेंड, ये जो कीड़े मकोड़े मार DDT पाउडर होता है, ये थोड़ा सा लेकर अपने हाथों पर छापर या दस्ताने चढ़ाकर आपने बकरी के नाजुक आज़ा, आँखों, नाक, मुँह से बचा कर बकिया जो जिस्म होता है उस पर आप ये DDT पाउडर थोड़ा थोड़ा अगर लगा दें, इस तरीके से आप जुओं और चिचड़ों का खात्मा कर सकते हैं। एक माह के बाद आपने अपनी प्रेग्नेंट गोट को 200 ग्राम गंदम डेली खिलाना है। तो खुश्क गंदम लेकर उसको साफ करके, ताकि उसमें मट्टी वगैरह ना हो, इस गंदम में आपने सिर्फ एक चम्मच डालडा घी का शामिल करना है। ये इजाफी खुराक है फ्रेंड्स, 200 ग्राम गंदम, उसमें एक चम्मच डालडा घी, ये डेली आपने खिलाना है। ऐसा नहीं करना कि पहले आपकी दाना वंडा वगैरह खिला रहे हैं वो बंद कर दिए और ये स्टार्ट कर दी। ये प्रेग्नेंट गोट को आपने इजाफी खिलानी है। जो खुराक, जो चारा आप पहले खिला रहे हैं वो रूटीन से खिलाते रहें। 3.5 माह तक फ्रेंड्स आपने सिर्फ यही खुराक खिलानी है, एक चम्मच डालडा घी, 200 ग्राम गंदम। जब 3.5 माह कंप्लीट हो जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ETV वैक्सीन करनी है बकरी की। जहाँ पे मैं एक सवाल का जवाब भी दोस्तों को दे दूँ, अक्सर दोस्तों ने पूछा है कि क्या गब्बन बकरियों को वैक्सीन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड, बल्कि ज़रूरी है। जब 3.5 माह बकरी को हो जाए क्रॉस हुए, तो फिर आपने ETV वैक्सीन करनी है, 2 cc जेर जेल्ड। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? जो बकरी के बच्चे पैदा होंगे तो उन पे इंशाल्लाह बीमारियां अटैक नहीं करेंगी, और खुसूसन अंतड़ियों की बीमारियां। जब बकरी के बच्चे छोटे होते हैं और दूध आप पेट भर के उनको पिलाते हैं, तो बच्चे अक्सर पेट और अंतड़ियों की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लाइव स्टॉक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी हमें यही तंबीह की गई है कि डिलीवरी से 1.5 माह के बाद आप ETV वैक्सीन ज़रूर करवाएँ। उसके बाद फिर फ्रेंड आपने बकरी की स्पेशल खुराक शुरू कर देनी है। जो खुराक मैं आपको बताने लगा हूँ,
और दौराने डिलीवरी या डिलीवरी के फौरन बाद जो थनों और हैवानों के मसाइल आते हैं, अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं कि हमारी बकरी का एक थन छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, हैवाना सख्त हो गया, में से खून और पीप आ रहा है, दूध नहीं आ रहा, अलगर्ज जो भी थनों और हैवाना के मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह नहीं आएंगे, बकरी की डिलीवरी आसानी से होगी, बच्चे जो पैदा होंगे हेल्दी सेहतमंद और बड़े कद काठ के होंगे। तो ये आइटम्स नोट कर लें, अब हम तैयार करने लगे हैं, बिल्कुल आसान है। उम्मीद है आप सारी बात तफसीलन समझ गए होंगे कि पहला माह आपने कोई इजाफी खुराक नहीं खिलानी, सिर्फ चारा खिलाना है। दूसरे माह से आपने खुराक स्टार्ट करनी है 200 ग्राम गंदम, उसमें एक चम्मच डाल लगी, और जब डेढ़ माह रहता होगा, साढ़े तीन माह के बाद, तो फिर आपने ये खुराक स्टार्ट करनी है। और आखिरी 10 दिनों की खुराक अलग गए, वो इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अब आपने खुराक में इजाफा भी करना है, पहले सिर्फ 200 ग्राम आप गंदम खिला रहे थे, तो अब 200 ग्राम गंदम फी गोट, उसमें 50 ग्राम गंदम चौकर और 100 ग्राम खुश्क खल बनौला, ये फी जानवर है। अब ये नोट कर लें, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 8-10 दाने काली मिर्च, 1-2 दाने मोटी इलायची, 2 चम्मच डालडा घी, आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा कप चीनी और 3-4 तुरियां लहसुन की। फी जानवर ये मैं मकदार आपको बता रहा हूँ, जितनी गोट्स हैं आपकी, जितनी बकरियां हैं, आप मल्टीप्लाई कर लें। ये सब आइटम्स आप शामिल कर लेंगे, इसे आप अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने मिक्स कर लिया, ये एक मुतवाजन जूद हजम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रेगनेंट गोट की खुराक तैयार हो चुकी है। तो ये वीडियो सदके जारिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज में बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको सारा काम बताऊँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर सदके जारिया की नीयत से शेयर कीजिए। इजाज़त दें अपने हबीब भाई को। अल्लाह हाफिज़।